हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे ब्यूटी रूटीन और मैं हूँ सरिता बरियार। दोस्तों, आज मैं फिर लाई हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो और आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी सनस्क्रीन के बारे में। हमें क्यों सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए और अगर हम सनस्क्रीन नहीं यूज़ करते तो हमारी स्किन में किस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, के डैमेजेस हो सकते हैं और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है जो मैंने प्रोडक्ट यूज़ किया है सनस्क्रीन का। तो क्विकली स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, लेकिन स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको मेरे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए एंड प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट। तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि हमें क्यों सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए और अगर हम सनस्क्रीन नहीं यूज़ करते हैं तो हमारी स्किन में कैसे डैमेज हो सकता है। जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं सन की, वो हमारी स्किन की आउटर और इनर लेयर दोनों को ही डैमेज कर सकते हैं। हमें इसके वजह से सन टैन, सन बर्न, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, एजिंग, एज से पहले ही हमारी स्किन में रिंकल्स हो जाती है और हम थोड़े से और बूढ़े लगने लगते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम होती है सनस्क्रीन ना यूज़ करने की वजह से। सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो डायरेक्टली हमारे स्किन पे पड़ती है और वो हमारी जो सेंसिटिव स्किन होती है, वैसे भी हमें पता है कि जो हमारी फेस की स्किन जो होती है वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है, इसलिए हमें उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है और ये प्रोटेक्शन हमें देता है सनस्क्रीन लोशन। सनस्क्रीन अब मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, लाइक सनस्क्रीन 15, सनस्क्रीन 20, 30, 50, 60। तो मैं आपको बताती हूँ कि हमें कितने से अबव SPF यूज़ करना चाहिए ताकि हमें फुल प्रोटेक्शन मिले। तो सबसे पहले जो एक अच्छा प्रोटेक्शन होता है वो मिलता है SPF 30 एंड अबव। SPF 30 अगर आपका आउटडोर एक्टिविटीज़ कम है, लाइक 1 आवर 2 आवर के लिए है और मे बी अगर आप कम टाइम के लिए आउटडोर एक्टिविटीज़ करते हो या आपका सन एक्सपोजर कम टाइम के लिए है, तब आप SPF 30 यूज़ करिए। अगर आपका एक्सपोजर, आउटडोर एक्सपोजर, सन का एक्सपोजर काफ़ी टाइम के लिए है, लाइक 5-6 आवर्स के लिए है, तब आप SPF 50 एंड 60 यूज़ करिए, क्योंकि SPF 50, 60 90-95 प्रोटेक्शन देता है आपको अल्ट्रावायलेट रेज से। चलिए अब बात कर लेते हैं उस प्रोडक्ट की जो मैंने यूज़ किया और जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये प्रोडक्ट है सनशेड अल्ट्रा ब्लॉक लोशन और इसमें लिखा है UVA प्लस UVB प्रोटेक्शन, मीन्स अल्ट्रावायलेट रेज से आपको सन का प्रोटेक्शन मिलेगा एंड ये कंप्लीट इंडोर एंड आउटडोर प्रोटेक्शन है, ठीक है, और ये आपको देगा इंटेंस हाइड्रेशन। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इसके साथ वो काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट जो मेरा सन का एक्सपोजर था वो 6-7 आवर था। मैं मॉर्निंग में इसे अप्लाई करती थी और फिर मुझे दोबारा अप्लाई करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, बट अगर आपको लगता है कि आपको दोबारा अप्लाई करना है तो आप डेफिनेटली 4-5 आवर्स के बाद रीअप्लाई कर सकते हैं। तो जो इसका टेक्सचर है वो लो वाटरी भी नहीं है और ना क्रीमी है, थोड़ा सा लोशन फॉर्म में है, जो कि ऑल स्किन टाइप है, जिनकी स्किन ड्राई है, जिनकी स्किन सेंसिटिव है, जिनकी स्किन ऑयली है वो इसे ईजली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो इसका टेक्सचर है वो लोशन टेक्सचर है। मेरी खुद की स्किन थोड़ा कॉम्बिनेशन स्किन है, तो मैंने इसको यूज़ किया और मेरे को कोई भी रैशेज नहीं हुए, रेडनेस नहीं हुआ और मेरे को कोई इचीनेस नहीं हुआ, ना ही मेरे स्किन पे कोई स्टिकी रेसिड्यू बना, ना ही वाइट रेसिड्यू हुआ। नॉर्मली जब हम कोई सनस्क्रीन लोशन लगाते हैं तो हमारे स्किन में एक वाइट पैच बन जाता है या वाइट रेसिड्यू बन जाता है, बट इसको यूज़ करने के बाद मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, ना कोई वाइट रेसिड्यू हुआ। मैंने नॉर्मली अपने स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज़ किया और सन के एक्सपोजर से पहले ऑलमोस्ट 30 मिनट्स पहले मैंने इसको अच्छे से अपनी स्किन पे अप्लाई किया और अपनी स्किन को टाइम दिया कि ये उसमें अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, क्योंकि ये अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है और डीप हाइड्रेशन देता है। तो मैं आपको इसका अप्लाई करके भी दिखाती हूँ और टेक्सचर भी दिखाती हूँ। तो ये मैं आपको इसका टेक्सचर अच्छे से दिखाती हूँ और अप्लाई कैसे करते हैं स्किन पर ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये क्रीमी फॉर्म नहीं है, ना वाटरी फॉर्म है, बट
थोड़ा लोशन फॉर्म है, इसको अच्छे से आपको अपनी स्किन पे लगाना है जहाँ जहाँ आपको लगता है कि सन का एक्सपोजर होगा। अपने हैंड में भी लगा लेना है इसको, जहाँ जहाँ आपको लगता है वहाँ इसको अच्छे से लगा लीजिए। और अब आपको इसको बहुत ही अच्छे से इसको इस तरह से अपनी स्किन पे मसाज करना है हल्के हाथों से। ऐसे आपको बहुत ज़्यादा यू नो स्ट्रॉन्ग हाथों से रगड़ना नहीं है, बस हल्के हाथों से कर दीजिए। और अपने स्किन को एब्जॉर्ब करने का टाइम दीजिए। अब आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो गया और कोई वाइट रेसिड्यू नहीं है। इसके बाद आप अपने कोई भी फाउंडेशन लगा सकते हैं, कोई भी टचअप कर सकते हैं, मेकअप का टचअप कर सकते हैं, बट एकदम इंस्टेंट मत करना। जैसे अभी मैंने लगाया है तो ऑलमोस्ट 10-15 मिनट्स के बाद या 10 मिनट्स के बाद भी आप जो भी अपना टचअप करते हो या फाउंडेशन यूज़ करते हो वो आप लगा सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि सन एक्सपोजर होने से पहले, मीन्स आउटडोर जाने से पहले, घर से बाहर निकलने से पहले आपको 30 मिनट्स पहले इसको यूज़ करना है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा ये सनशेड अल्ट्रा ब्लॉक लोशन का, वो बहुत ही अच्छा रहा। हमें सनस्क्रीन इंडोर भी यूज़ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये पाया गया है कि जो हमारे ट्यूबलाइट होते हैं, या हम अगर फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, फ़ोन यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, या डिजिटल चीज़ें यूज़ करते हैं, उससे भी अल्ट्रावायलेट रेज आती है और उससे भी हमारी स्किन डैमेज हो सकती है। तो आप घर में भी इसको अप्लाई कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से हमारे विंडोज़ होते हैं, डोर होते हैं, हमें सन का एक्सपोजर तो रहता ही रहता है। तो आप घर पे भी यूज़ करिए और बाहर पे भी यूज़ कीजिए। ये बिल्कुल ही कंफर्टेबल है और क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है हमारी स्किन पे। और आप देख ही सकते हैं कि मेरी स्किन कितनी अच्छी लग रही है। इनफैक्ट मेरा कोई भी वाइट रेसिड्यू नहीं है, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, एकदम काफ़ी लाइट फील कर रही हूँ मैं इसे। सो आई होप दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। बाय बाय।